बहू अर्चना ही निकली साजिश की मास्टरमाइंड। 1 करोड़ की सुपारी और बियर बार का लालच, 300 करोड़ रुपए के लिए बहू बन गई कातिल। 22 मई 2024 का दिन महाराष्ट्र के नागपुर में दिन दहाड़े एक बुजुर्ग को तेज रफ्तार कार कुचल देती है। ड्राइवर पकड़ा जाता है और पुलिस इसे एक एक्सीडेंट मानकर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेती है। कुछ कागजी कार्रवाई के बाद ड्राइवर को जमानत पर छोड़ दिया जाता है। हादसे में जिस बुजुर्ग की मौत होती है वह कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि शहर का एक बिजनेसमैन निकलता है। नाम था पुरुषोत्तम पुट्टेवार। हादसे वाले दिन पुरुषोत्तम अस्पताल में भर्ती अपनी पत्नी से मिलकर घर लौट रहे थे। अभी तक पुलिस और पुरुषोत्तम की फैमिली के लोग मान रहे थे कि यह एक हादसा है, लेकिन तभी मामले में एक नया मोड़ आ जाता है। दरअसल मामले की तफ्तीश के दौरान हादसे वाली सड़क की एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है। फुटेज को गहराई से देखा जाता है तो पुलिस वालों का माथा ठनक जाता है। जिस कार से पुरुषोत्तम पुट्टेवार का एक्सीडेंट हुआ, फुटेज में वह कार संदिग्ध तरीके से पहले से खड़ी नजर आती है। इसकी जानकारी सीनियर पुलिस अधिकारी को दी जाती है। अब मामले की गहराई से जांच के आदेश दिए जाते हैं और करीब 15 दिन की तफ्तीश के बाद जब सच्चाई सामने आती तो रिश्ते के कत्ल की एक भयानक कहानी से पर्दा उठ जाता है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर।